नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह का एक्शन देखने के लिए मिला है। एक कार्यक्रम में लखनऊ जाते समय बस्ती में ताबड़तोड़ कई डगामार बसों पर छापेमारी कर चेक किया। मंत्री के साथ सांसद हरीश द्विवेदी और एआरटीओ अरुण चौबे मौजूद रहे। दिल्ली और चंडीगढ़ जा रहे डगामार बसों को रुकवाकर मंत्री ने चेक किया। बसों में क्षमता से दोगुना यात्रियों को ठूस ठूस कर भरे गया था। जिन यात्रियों ने टिकट लिया था उस हिसाब से उनको सीट पर नहीं बैठाया गया, जिसके बाद मंत्री जयशंकर सिंह ने संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। आरटीओ अरुण चौबे को डांट लगाते हुए कहा कि इस तरह से तो कोई जानवर को भी नहीं बिठा कर ले जाता। ऐसे में पैसेंजर की गलती नहीं है। अगर आप क्षेत्र में एक भी गाड़ी इस तरह की पाई गई तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई लगातार देखी गई। देवभूमि चतुर कर्मचारी संघ दिनेशपुर नगर पंचायत के कर्मियों द्वारा एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आभार व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि देवभूमि चतुर कर्मचारी संघ के बैनर तले कई बार वेतन वृद्धि के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसका प्रदर्शन अब रंग लाया है। कर्मचारियों का वेतन वृद्धि की गई है, जिसको लेकर सफाई कर्मचारी ने एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे का भव्य रूप से स्वागत किया गया। साथ ही प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। इस दौरान चतुर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिनेशपुर मंडल के भजन लाल ने कहा कि हम जिससे मेहनत कर रहे थे हमारे मानदेय बहुत कम था, लेकिन आज हमारे मेहनत रंग लाई है। इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अरविंद पांडे को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम जो है यहाँ 500 रुपये का मानदेय की बात करी थी, कर्मचारियों को 500 का मानदेय बढ़ना चाहिए। 8,750 रुपये में कुछ नहीं होता कर्मचारी का, उसमें गुजारा भी नहीं हो पाता है। तो मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से ये क्या कहूँगा, निवेदन करा हम लोगों ने, धामी जी से भी निवेदन हमने करा, तो उन्होंने जो हमारी बात मान ली, उन्होंने 500 रुपये का मानदेय बढ़ा दिया कर्मचारियों का। 350 रुपये जो उनको वेज मिलता है, वेतन मिलता है, वो कहीं ना कहीं कम है। और इनकी बहुत मुसीबत के दौर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन समय को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इनका जो प्रतिदिन का वेतन है उसको बढ़ाया जाएगा, इनकी मांग थी। तो हमारी सरकार ने उसको 500 रुपये दिया था और वह है लगभग 4,500 रुपये प्रति कर्मचारी, प्रति माह उनका वेतन बढ़ गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि हमने जो भी पिछले साल जो आंदोलन किया था उसमें अपनी तमाम मांगे थी, जिसमें वेतन वृद्धि को लेके भी थी। सर, शासन ने हमारी बात को स्वीकार किया, उसको माना, कर्मचारियों का मानदेय 350 से करके बढ़ाते हुए 500 रुपये किया गया है। उसका एक सम्मान समारोह जो हमारे दिनेशपुर शाखा ने किया है, और यह होना भी चाहिए। और हमें जैसा धामी सरकार ने जो ये कर्मचारियों का मानदेय को बढ़ाने का काम किया है, हमें भरोसा है इस बात का कि हमारी जो और भी जटिल समस्याएं हैं वो ये सरकार उसको पूरा करेगी। एटा में गाय कुत्तों का निवाला बन गई। नगला टिकेरिया में जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते मृत गाय को नोचते हुए आवारा कुत्ते नजर आए हैं। गौरक्षक को गांव के जिम्मेदार से लेकर सरकार के नुमाइंदे भूल गए हैं। तड़प तड़प कर गौवंश मर रहे हैं, आवारा कुत्तों का निवाला और बन रहे हैं। देर रात मृत गाय की जिम्मेदारी तक लेने कोई नहीं आया। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौरक्षक को ग्राम प्रधान विकासखंड क्षेत्र के गाँव मारिकपुर निवरिया उर्फ नगला टिकुरिया का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में मास्टर प्लान अभियान के दौरान चौक बाजार में रसोगी की बहुमंजिला दुकान ध्वस्त किए जाने से व्यापारियों में जबरदस्त रोष हो गया। बड़े व्यापारी प्रशासनिक कार्रवाई से दुबके रहे, जिन्होंने सीने पर बुलडोजर चलवाने का दावा किया था। वहीं जो छोटे नेताओं को हिम्मत करके सरकार सड़कों पर उतरना पड़ा है, और मास्टर प्लान अभियान से आक्रोशित बाजार और नाला मशरठा के व्यापारियों ने बाजार बंद का आह्वान किया।
गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में स्थित मझौली कंपाउंड में खड़ी कार में बुर्का पहनी महिला ने आग लगा दिया के बाद बच्चों ने शोर मचाया तो महिला फरार हो गई। कॉलोनी के लोगों ने अपनी सूझबूझ से कार पर आग पर काबू पाया और घटना की सूचना पुलिस को दी। गाड़ी मालिक ने अज्ञात बुर्काधारी महिला के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। जनपद गोरखपुर के कैंट थाना अंतर्गत एक अजय श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने तहरीर दी कि उनकी गाड़ी को एक महिला ने बुर्का पहने हुए एक महिला ने आग लगाया। छानबीन करने पे पता चला है कि एक महिला अपनी स्कूटी पे सवार होकर कैंट सर्कल पे आके उसने अपना सलवार कुर्ता बदला एवं बुर्का पहना एवं बुर्का पहनने के बाद में वो आई और उसने आग लगाई गाड़ी को। समय रहते ही आग को बुझा दिया गया, लेकिन जनपद गोरखपुर में कल की नमाज की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तत्पर कार्रवाई की जा रही है। सर्विलांस एवं सीसीटीवी कैमराज के आधार पर जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को शायद पुण्यतिथि और जयंती पर फर्क का अंदाजा नहीं है, तभी तो वो अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती पर पुण्यतिथि की बधाई दे रहे हैं। दरअसल शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ता शहर के हरिओम नगर तिराहे पर स्थित पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। इसी बीच सांसद रवि किशन भी वहां पहुंचे, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस बीच जब उनसे मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस दिन के बारे में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की पुण्यतिथि पर मैं समस्त पूर्वांचल वासियों, समस्त ब्राह्मण समाज और समस्त क्रांतिकारी परिवारों को शुभकामना देता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसे क्रांतिवीर हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज बिस्मिल जी के आज पुण्यतिथि पर मैं समस्त पूर्वांचल, समस्त ब्राह्मण समाज को शुभकामनाएं देता हूँ, समस्त क्रांतिकारी परिवारों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे योद्धा, ऐसे क्रांतिवीर हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ये शुभकामना रहे कि हमारे भी घर में एक पंडित बिस्मिल जन्म लें। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आज यही सोच पर आज समस्त देश में सारे क्रांतिकारियों को, क्रांतिवीरों को, हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आके उनका सम्मान करते हैं, उनको दोबारा उनकी पहचान दिला के बार बार देश को, पूर्वांचल को यह याद दिलाते हैं कि पंडित जी ने हम लोगों के लिए कितनी बड़ी आहुति दी। हरदोई के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर गरीब कल्याण जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे ने सरकार की योजनाओं का बखान किया और कहा कि पहले की सरकार इस तरह के कार्यक्रम नहीं करती थी क्योंकि वो अपने और अपने परिवार के लिए काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनहित के काम कर रही है, जनता की सेवा के लिए लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं वो दूसरी पार्टियों पर विफरते हुए भी नजर आए। राज्यसभा चुनाव लोगों का चुने हुए एमएलए की तरफ से दिए गए जनादेश का एक क्रम होता है। महाराष्ट्र में जिन लोगों ने महाराष्ट्र जिन राज्यों में भी भाजपा के राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, उन राज्यों से जो प्रतिनिधित्व लेकर राज्यसभा में लोग आए हैं उनका उस जनादेश का सम्मान। एक वीडियो पर वायरल हो रहा है जो आपके भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक उसको शेयर कर रहे हैं, थाने के अंदर पिटाई हो रही है मुस्लिमों की और ये कहा जा रहा है कि ये रिटर्न गिफ्ट है। हम कानून के राज में विश्वास करते हैं और मोदी योगी राज में कानून के अनुसार ही कदम उठते हैं, कानून में सबके लिए बराबर स्थान। कुशीनगर के जिला मुख्यालय स्थित बुद्धा पार्क में सरकार की तरफ से आयोजित गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधान सेवक ने पिछले 8 वर्षों में एक दिन भी बिना छुट्टी लिए दिन रात कार्य किया है, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को सम्मान कर नेता बना देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार से मुक्त कराया है। सरोवर अग्नि नैनीताल पहुंचे भारत सरकार के संयुक्त सचिव और अमृत सरोवर परियोजना एवं जल शक्ति अभियान के नोडल अधिकारी उपेन्द्र चंद जोशी ने नैनीताल क्लब में अमृत सरोवर परियोजना से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान जनपद नैनीताल में जल शक्ति अभियान और अमृत सरोवर परियोजना के तहत किए गए कार्यों, जनपद के विभिन्न जल स्रोतों एवं नदियों, तालाबों, नाले आदि की विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसी बातें बताना चाहूँगा, जल शक्ति अभियान जो है ये 2019 में भारत सरकार ने शुरू किया था
और 2021 से इसको भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब जगह इसको लागू किया गया है। इस अभियान का बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि हम जो रेन होती है उसको हम रेन वाटर को अपना कंजर्व करें, वाटर हार्वेस्टिंग को लेके ये है, और इस तरह की सुविधाएं बनाएं, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि हम वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा संचय कर सकें। इस वर्ष इसमें भारत सरकार ने अमृत सरोवर परियोजना को भी शुरू किया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में डिटेल गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दे दी गई हैं और करीब एक साल का टारगेट दिया गया है जिसमें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर, मिनिमम 75 अमृत सरोवर बनेंगे। मैंने पिछले दो दिन में यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आके यहाँ पर वार्ता भी की है यहाँ कंसर्न ऑफिसर्स के साथ और कुछ साइट्स का निरीक्षण भी किया है। यहाँ पर काम शुरू हो गया है अमृत सरोवर का, करीब 88 लोकेशन को, 88 लोकेशंस को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर। सरोवर नैनीताल में आए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह ने राजभवन परिसर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में नैनीताल के कोटाबाग, लेशवाल, धारी, रामगढ़, फतेहपुर, रानीबाग, मोटा हल्दू आदि स्थानों की महिलाओं ने अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। पीलीभीत जनपद में 108-102 एम्बुलेंस जिला प्रभारी सड़क दुर्घटना में घायल हुए चार लोगों के लिए देवदूत बन गए। बताया जा रहा है कि थाना दियोरप्रिया इलाके के बिहारीपुर हीरा गांव के पास जिला प्रभारी विनोद कुमार अपनी कार से गुजर रहे थे कि उन्हें रास्ते में सड़क दुर्घटना में घायल चार लोग सड़क किनारे तड़पते हुए दिखे। अचानक जिला प्रभारी विनोद कुमार ने अपनी कार को रोका और घटनास्थल पर तत्काल बिरसाना CHC और बिरसलपुर CHC फोन कर दिया। मौके पर एम्बुलेंस बुलाई सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज के अटाला में हुई पत्थरबाजी और आगजनी के बाद रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। इलाके के सभी एंट्री पॉइंट्स को बैरिकेड किया गया और मीडिया और प्रशासन के अलावा इलाके में सभी के आने जाने पर पाबंदी कर दी। इधर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से इलाके में इस घटना में शामिल लोगों के भवनों का लेखा जोखा तैयार किया गया ताकि विधिवत कार्रवाई की जा सके। ये किया जा रहा है कि जो आरोपी लोग हैं उनके मकान जो है, मकान या दुकान जो भी, उनका नक्शा हमारे यहाँ से पास है या नहीं पास है। अगर नहीं पास है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है। अभी 37 लोगों की लिस्ट है मेरे पास, तो उन्हीं का चिन्हीकरण अभी किया जा रहा है। अभी तक जांच में क्या पाया? नहीं, अभी एक ही हुआ है, किया जा रहा है, अभी तो शुरू हुआ है, नहीं अभी उसका जानकारी में नहीं है। अच्छा, क्या चेक किया जाएगा? क्या फिर जो अवैध निर्माण होगा? हाँ, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी, शासन प्रशासन के निर्देशानुसार। अजय कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी। लास्ट रहने दीजिएगा, अभी काम करना है मुझे। हाँ सर, बताइए अब तक क्या अपडेट रहा है, कितने लोगों के खिलाफ FIR की गई, कितने लोग गिरफ्तारी कर रहे? इसी इलाके में कल जो आपने घटना देखी थी उसमें नाबालिग बच्चों को आगे करके और कुछ शरारती अराजक तत्व ईंट पत्थर फेंक रहे थे, उन्हें पुलिस प्रशासन ने काफ़ी संयम से और हिकमत अमली से आवश्यक बल प्रयोग करके खदेड़ा, वहाँ से भगाया ताकि आम जनता की सुरक्षा हो सके। उनके मंसूबे कुछ अलग थे, ये बात सामने आई है। उनके मंसूबे थे कि सब लोग इकट्ठा होकर के और तमाम क्षति कारित करेंगे, लेकिन उनके मंसूबों के ऊपर पानी फेरा गया। उसके बाद इस घटना को ऑन रिकॉर्ड लेके थाना खुल्दाबाद पर 29 गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 70 नामजद के अलावा 5000 अज्ञात लोग भी इसमें रखे हुए हैं। 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा है और 70 नामजद हैं, जिसमें से 68 लोगों की को हिरासत में ले लिया गया है और हर एक से गहनता से पूछताछ इसमें की जा रही है। सहारनपुर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बिना अनुमति प्रदर्शन नारेबाजी करने वालों पर पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 54 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाजारों में पैदल गश्त भी लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जैसे आप सबको पता है कि कल जुमे की नमाज के बाद कुछ बदरवियों ने यहाँ से निकल के मार्च करके अगले चौराहे तक जाने का प्रयास किया, वहाँ से उनको वापस किया गया और जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक दो दुकानों पे तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया। उसके बाद उनको खदेड़ा गया लाठीचार्ज करके और आज
कल उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कुछ की अरेस्टिंग कल हुई है, आज 48 लोगों की अरेस्टिंग टोटल हुई है और भी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जितने वीडियोस हमें मोबाइल से मिले, जितने हमें CCTV से मिले, उस पर एक्ट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इनको उकसाने वाले कौन थे उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। और आज पूरी तरह बाज़ार खुला है, हमारे व्यापारी साथियों ने 100% बाज़ार खोला है, तो आप लोगों के पास भी जो CCTV फुटेजेस होंगी वो हमारे जो फॉरेंसिक टीम है, सर्वेलेंस टीम, उसको भी एकत्र करेगी और भी जो बदरवी है उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र सोरम में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वो संविदा कर्मी है जिसका नाम उपेंद्र बताया जा रहा है। लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला तो पेन के परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पर मृतक के परिजन बदहाल हालत में रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। हत्या की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। यहाँ पे सोरम गांव में जो पावर सब स्टेशन है, यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी है उसकी हत्या की घटना कारित कर दी गई है। इसमें हमने 3 टीमें गठित की हैं, सारी टीमें लगी हुई हैं, महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। घटना का अतिशीघ्र अनावरण कर दिया जाएगा, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। टीवी गढ़वाल कांग्रेस के नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला यानी कि चिंतन शिविर 11 जून 2022 को माननीय जिला प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक गंगोत्री शिवजयपाल सचवाण के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दौरान पार्टी और प्रदेश हित में अनेक महत्वपूर्ण संकल्पों पर पदाधिकारियों के साथ गहनता से चिंतन मंथन हुआ। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रसाद योजना के तहत गंगोत्री धाम में होने वाले विकास कार्यों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने रविवार को गंगोत्री धाम में संबंधित अधिकारियों, गंगोत्री मंदिर समिति पदाधिकारियों, कार्यदायी संस्था के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी के चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण करते हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।